दिया भाई सहअस्तित्व को रोक देना मैंने सहअस्तित्व में वही वो जो उपयोगिता पूरक नहीं तो देखिए तो सुनो तो हाँ सहअस्तित्व में उपयोगिता पूरक है तो अगर मेरी जिज्ञासा को वो तृप्त नहीं कर पा रहे तो इसका क्या मतलब होता है अगर वो फिर भी कहें कि मुझको अनुभव है ये पूरा टीम में कोई ना कोई तृप्त करने वाला रहे हुए करेगा नहीं पूरे टीम में तो क्या उसको पता ये पूरे टीम में जैसे कि आप 20 बिंदु में आपने कन्वेंस कर दिया जिसने 22 में कर दिया किसी ने 40 में कुल 51 बिंदु तो उन 51 बिंदु को भी सेटिस्फाई करने वाला एक आदमी हो ही गया नहीं तो क्या वो तो ठीक चेक प्रोग्राम क्या है ठीक है ये हो सकता है ये ऐसा भी ना हो तो ये कुछ बन है वो 51 में कुछ भाग को एक आदमी कन्विंस करेगा तो एक आदमी कुछ तो और को करेगा तो 51 पूरा हो जाएगा नहीं तो क्या जो 20 में ही कन्विंस कर पा रहा है वो भी अनुभव की स्थिति में है अनुभव के बिना नहीं हो सकता है ना ये तो इससे ऐसा मैसेज आता है ना जैसे अनुभव कुछ चीजों का अनुभव होता है कुछ का बाद में हो जाता है सहअस्तित्व में जितना हमारा जिज्ञासा था वो सब हो गया ऐसा हो जाता है नहीं तो किसी की बहुत कम जिज्ञासा है तो भी वो अनुभव वो अनुभव होगा ही यदि वो उतने में समाधान समर्थ पूर्वक जीकर संविधान के अनुसार हो जाता है किसको क्या तकलीफ कोई तकलीफ नहीं तो यदि समाधान समृद्धि पूर्वक जी के संविधान के अनुरूप हो रहा है तो हम उसको भी अनुभव कह रहे हैं हाँ? पर आगे की जिज्ञासाएं नहीं बनी इसलिए अभी नहीं बता पा रहा है ये देश समय परिस्थितियों को देख करके जिज्ञासा बन भी सकता है ये सब उपयोगी है और अगर वो अनुभव युक्त है तो उन्हें जिज्ञासाओं के उत्तर स्वयं नहीं मिलेंगे कि फिर से स्वयं है स्वयं जिज्ञासा जो बनता है वो स्वयं है बेहतर किसी का देर नहीं होता नहीं नहीं उसका उत्तर भी खुद मिलेगा नहीं उत्तर जो प्रकृति से मिलेगी हाँ वही प्रकृति से ही मिलेगी पर ऐसा नहीं है कि 51 वाले से पूछना पड़ेगा नहीं वो तो प्रकृति में ही तो 51 वाला भी है जो उस तरह कह रहे हैं नहीं नहीं आपके केस में तो प्रकृति में कोई 51 वाला नहीं था ये भी एक केस था ना हमारे पास हमारा अनुसंधान में गया ना भाई हाँ तो आप कह रहे हैं अध्ययन विधि में वो करना पड़ेगा तो या तो वो खुद निकाल ले या किसी दूसरे व्यक्ति से पूछे वो बहुत आसान है जुगाड़ बहुत जोरदार तो इस तरह से तो बाबा ये समाधान समृद्धि पूर्वक जी पाए संविधान पूर्वक जी पाए तो अनुभव का स्टैंडर्ड काफी नीचे आ गया मैं कहूंगा नीचे मतलब कि मिनिमम हुआ बड़ा हाँ सरल सा लगता है मिनिमम मानो हाँ मिनिमम ही जानना मिनिमम स्टेटस से मैक्सिमम तक के लिए जिज्ञासा होना स्वाभाविक है हाँ आवश्यकता होना भी स्वाभाविक है ठीक है प्रयत्न होना भी स्वीकार और प्रमाणित होना भी स्वाभाविक पर अब इसमें एक और बात बताइए बाबा जैसे आप हाँ ये अच्छी बात हुई ये पैचिक हो गई हाँ एक और बात बताइए जैसे आपने कहा कि भाई आप जब प्राणावस्था के साथ जीते थे तो आपने ध्यान दिया कि बक्कल से पेड़ खराब हो रहा है तो आपने पत्ती से कर लिया मान लीजिए मैं एक 20 बिंदु वाला अनुभव वाला हूँ मेरा ध्यान बक्कल पर नहीं गया था तो क्या ये कुछ गलत हो गया क्या नहीं बक्कल पर नहीं गया वो गलत नहीं हुआ हाँ उसका जो है ना विकल्प नहीं लाए ये गलत हो गया विकल्प नहीं लाए अच्छा हाँ तो मेरा ध्यान नहीं गया ध्यान नहीं गया हाँ। वो पर्याप्त नहीं है अच्छा उसका उत्तर चाहिए तो आप कह रहे हैं जब ध्यान गया तो उत्तर निकालने की जरूरत निकालेंगे तब तक जब तक नहीं गया तब तक जो है ना वो काम ही नहीं करेगा काम नहीं करेगा मतलब उसमें हाथे नहीं डालेगा नहीं, वो आप कह रहे हैं कि काम करने के पहले ही ये सब सोच के ढंग से बढ़ने की बात है वो ठीक हाँ वो ठीक बात समझ के करो लेकिन समझ के करो में कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है बाबा ना जो करते वक्त उभरे जैसे कि गोपालन की बात है अब भाई गोपालन में जब तक करने ही नहीं चला हूं तब तक मेरे को गाय की सारी बीमारियों का तो पता नहीं है करते वक्त बीमारी आएगी तो ठीक करूंगा ठीक है पूर्ण आ जाती है तो उसमें तो हम ये नहीं कह सकते कि समझ के करो क्योंकि वहां तो मैं करने उसमें कैसा बनता है तो बीमारी है तो उसका दवाई ये पहले से पता है एक तरह से उसका क्या दवाई है ये बात जो दवाई रोग देखेंगे उसका दवाई होगा अभी हमारे साथ तो वही गुजर रहे
नहीं तो बाबा आप हाँ आप तो ठीक है, आपका एक बैकग्राउंड भी है आयुर्वेद में, कोई आम आदमी भी निकाल लेगा क्या? आम आदमी भी आयुर्वेद के वो ध्यान दे करके निकालेगा तो उन सूचनाओं के आधार पर प्रैक्टिकल करने के पेपर मैंने की माता आने से वो निकालेगा, हमको ऐसा भरोसा है। ठीक बात है, होगा भी, होना चाहिए। देखो हमारे पास इस लाइन से गुत्थी टूट रही है, हमसे अच्छे हो सकते हैं यहाँ से शुरू किया, हमसे अच्छे हो सकते क्योंकि आगे पीढ़ी है वो कैसे उसका जो सिद्धांत कैसे तो हम जो हमारा हम जैसा भी प्रस्तुत किया उसके साथ सामने वाला अपना कल्पनाशीलता कर्म को जोड़ेगा वो तो ठीक बात, इससे गुणवत्ता पैदा होगा, वो तो ठीक बात होगा, होना भी चाहिए बाबा। इससे कम प्रकृति का क्या डिजाइन, क्या मतलब, नहीं तो प्रखर कैसे होगा, सुंदर कैसा हो जाएंगे? बिल्कुल बाबा, वो उस भाग में तो इतना लिबरिटी बाबा जो उस स्वतंत्रता को हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना लंबा चौड़ा है। अभी धीरे धीरे एस्टेब्लिश होने के बाद सबको रोमांचक होगा। गुड। अच्छा, केवल छत्तीसगढ़ में हम प्रमाणित हुए शिक्षा विद्या में, पूरा देश में अपन पाई। हाँ, एक जगह भी हो जाता है तो जगह तो बहुत अच्छी बन जाएगी बाबा। अभी क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस को पूरा देश से जोड़ रहे हैं, अपने लिए एसेट हो गए, एक जगह में से पूरा देश तक देश के साथ संपर्क। ठीक बात है, अभी वो भी इस तरह की कई चीजें हैं बाबा, इंटरनेट भी इसी तरह की चीज है, वही सब सरल सब चीज आ गई है। वो तो बात सही है, लोकव्यापीकरण के लिए वो माल तैयार है, मींस तैयार है, तकनीकी तैयार है, साधन जो इतना है वो फ्लो। बिल्कुल सही बात है बाबा, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो 8-10 लोग इसको समझ ले बाबा, पहुंचाना मुश्किल नहीं है आगे, मतलब 8-10 लोग समझ ले, जीने लगे कुछ इस तरह के चीजें, वही पहुंचाएंगे, वो जो जीने वाला भी समझने वाला भी दोनों जहाँ है मैं वही पहुंचाएगा। हाँ, वो तो बात सही बात, जीना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, एक पैर में गलंगड़ा ना ही पड़ेगा, नहीं चले। अभी देखो कर रहा है आपके सामने, आपके सामने सब सब उधार जिए बिना बात बनती नहीं है बाबा, तो एक पैर में चलना बनता ही नहीं, प्लस पहुंचे ना पहुंचे खुद में संतुष्टि नहीं होगा, मूल तो वही है। वो सब बातें पूरा हो गई है मेरे अनुसार, आप हमारे बीच में तो अब केवल एग्जीक्यूट करके संतुष्टि पाना, ठीक है ना, हम जी करके संतुष्टि पाना, एग्जीक्यूशन केवल जीना ही और कुछ नहीं, बाकी व्यापार जीना नहीं है, व्यापार कहाँ जीना होता है, नौकरी जीना नहीं होता है, ठीक है ना, और झूठ बोलना जीना नहीं होता है, डाका डालना जीना नहीं होता है, युद्ध जीना नहीं होता है, अब कहाँ कहाँ जिए, व्यापार नहीं हो, युद्ध न हो, दगाबाजी न हो, जीवेगा माना बात के टटोल ना आदिकाल से रहा है लगता है, अभी वो संतुष्टि का आधार बन गए, आदिकाल से रहा होगा, या एक्सपर्ट यूनिवर्सिटी भी यहाँ तक पहुंचा होगा, माने संतुष्टि की जगह चाहिए, इस जगह में वो भी पहुंचा होगा। बिल्कुल, इसका आदमी ने हाथ पैर बहुत मारा है, चार पैर मारा है बाबा, मेरे अनुसार ऐसे ही हर जगह मारा, सबसे जल्दी समझने वाला यूनिवर्सिटी ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी, उनका इसको रखता हूँ मैंने शोध कार्य का तौर तरीका, उसमें वो नहीं थे।